भाई यहाँ पे जितना भी फेजेंट लगे हुए हैं इसमें मेरे पास डिफरेंट वराइटी लगी हुई है। इसमें हमारे पास रेड गोल्ड फेजेंट है, लेडी है, रिलीज है और उसके अलावा साइनस फेजेंट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा जितना भी है वो सारा बच्चा और पट्टा लगा हुआ है। भाई यहाँ पे जो लगे हुए हैं व्हाइट चिकोर और बाइनो लगा हुआ है, मस्किटी चिकोर लगा हुआ है, उसके अलावा ग्रे जंगल फॉल लगा हुआ है और उसके अलावा फेजेंट के कुछ और वराइटीज लगी हुई है। जी भाई यहाँ पे जिसे हम ब्लॉन्ड भी कहते हैं और उसके अलावा कॉमन में ड्राइन डक है, ये भी शो के लिए दोस्तों को मिल जाएगा। भाई यहाँ पे रेड गोल्ड फेजेंट के बड़े मेल लगे हुए हैं, उसके अलावा लेडी एमर फेजेंट के और मस्कती चकोर के बड़े मेल लगे हुए हैं, फीमेल भी पड़ी हुई है, पेयर बना के ये भी मिल जाएंगे आप दोस्तों को जो शो करना चाहेगा। असल में फ्रेंड क्या चल रहा है, मैं हूं सुजीत, आप देख रहे हैं फास्टर जी। आज हम मौजूद हैं टेक्सला के अंदर, यहां पे आपको जो आज सेटअप दिखाने लगे हैं बहुत वीआईपी सेटअप है। यहां पे आपको चकोर मिलेंगे, सुजन मिलेंगी, पैरट्स मिलेंगे, आपको डक्स मिलेंगी और भी बहुत चीज़ें, नयाब चीज़ों का सेटअप है, वीआईपी किस्म का आप देखेंगे सेटअप, क्वालिटी देखेंगे। आज आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको किस किस चीज़ के बच्चे मिल जाएंगे, बड़े पीस कौन से मिल जाएंगे, जिसने शो करना हो विकास भाई से रास्ता कर ले, विकास भाई की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस सेटअप के अंदर क्या क्या चीज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम विकास भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कैसे हैं, ठीक है, हरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। विकास भाई एक तो माशाल्लाह जी आपका सेटअप बहुत प्यारा है, बर्ड्स बहुत प्यारे हैं, यहाँ पे दोस्तों को बताएं कि दोस्तों को किस किस चीज़ का शौक हो जाएगा और कौन कौन सी चीज़ मिल जाएगी। जी शोएब भाई अल्लाह का शुक्र है, ये सब अल्लाह की देन है और माशाल्लाह जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये अल्लाह का करम नवाजी से ही हुई हैं। तो और ख़ास तौर पर जो हमारे भाई हैं जो आपकी वीडियोज़ देख रहे होते हैं ये उनकी दुआओं के सदके ही है। तो माशाल्लाह यहाँ पर तो हमारे पास लेडी एमर फेजेंट है, रेड गोल्ड फेजेंट है, साइनस फेजेंट है और उसके बाद री फेजेंट है, मस्किती चकोर है, वाइट अल्बाइनो चकोर है, ग्रे जंगल फॉल है, सन क्रिनोर पैरट, येलो साइडेड क्रिनोर पैरट उसमें अल्बाइनो पैरट और उसके अलावा निकोबार पिजन, मंडराइन डक, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, पीकॉक की वैरायटी में भी पड़े हुए हैं। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी वैरायटीज आप दोस्तों को मिल जाएंगी। विकास भाई दोस्तों का टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, सबसे पहले चलते हैं उन आइटम्स की तरफ जो दोस्तों को शौक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर तो बड़े पेयर दिखाने हैं तो वो भी पड़ा हुआ है, पट्टे दिखाना चाहते हैं तो वो भी मेरे पास है। विकास भाई पट्टों से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आ जाए शेब भाई ये आप दोस्तों को दिखा दें जो लेडी एमर्ड फेजेंट के यंग बर्ड है, अर्ली ब्रीड के अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 6 मंथ है। अच्छा ये कितनी देर में तैयार हो जाएंगे ब्रीड के लिए? ये 1.5 साल में कलर पूरे करता है, लेकिन ब्रीड पहले साल में 50-80% चांस होते हैं ब्रीड करने के, एज पर डाइट और वेदर आपके एनवायरनमेंट के ऊपर मैटर करता है। सही है, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा बता दें कि शो किस तरह हो जाएगा, कितने में शो को हो जाएगा? शो के लिए अच्छा अगर पेयर लेंगे ना अर्ली का तो वो 30,000। ठीक है जी, 30,000 तक। ये जो इस कंडीशन के जो बच्चे अभी आपके पट्टे पड़े हुए हैं टॉप क्वालिटी टॉप ब्रीड और अर्ली ब्रीड, अर्ली आप उसको कहते हैं जो पहले क्लास में पहली दवा साल में जो पहली ब्रीड होती है। जब काश भाई इसके बारे में बताएं कि ये कौन सी ब्रीड हुई? वही लेडी एमर्ड की मादियां हैं जी, एक पीस आपको नजर आ रहा होगा वो थोड़ा सा लकवे में है, लकवा है, हंच बैक है, वो मेल उसको बड़े मार रहे थे या उसको डिस्टर्ब करते तो हमने इसको शिफ्ट किया इसके और उसको स्क्योर करने के लिए इतनी लगेगा। सही है, तो ये माशाल्लाह अर्ली ब्रीड की मादियां आप अगर देखें तो ये बिल्कुल ब्रीडर की तरह लगती है लेकिन है ये अर्ली ब्रीड की मादियां। सही होगा, ये भी दोस्तों को मिल जाएंगे जी, ये भी शो कराएंगे जी, ये पेयर में आपको लगा के देंगे लेडी एमर्ड की पठाओगे। सही है जी विकास भाई, ये रेड गोल्ड फेजेंट का बड़ा मेल है, फीमेल बड़ी है, पट्टी फीमेल एक साथ लगी हुई है, अगर पेयर लेंगे पेयर मिल जाएगा उसमें, अगर आप चाहते हैं तो आप सेट में भी ले सकते हैं ये वाला। अगर किसी दोस्त ने शो करना है बड़े शो करने के लिए पेयर एक नारे एक मादी 30,000। ये जो आप देख रहे हैं ये लेडी एमर्ड फेजेंट है, इंपॉर्टेंट ब्लड लाइन के बच्चों से तैयार हुए हैं माशाल्लाह, इंपॉर्टेंट पेयर भी पड़ा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट ब्लड लाइन के बड़े पेयर चीज है। इसका अगर शो कोई करना चाहेगा तो ये 65,000-70,000 एज पर, अगर पट्टी मादी रहेंगे 65, बड़ी ब्रीडर मादी रहेंगे 70 और इस पट्टी मादी भी जो अर्ली ब्रीड के वो देखने में आपको ब्रीडर ही लगेगी। सही है पट्टी। अच्छा यहाँ पे ये रेड, यहाँ पे रेड गोल्डन है, ये बड़ा ब्रीडर वही पहले आपको रेट बताया है 30,000-30,000 रुपया ब्रीडर मादी ब्रीडर ना, जबरदस्त हो गए क्वालिटी बर्ड। अच्छा माशाल्लाह विकास भाई आपके बर्ड्स बहुत जबरदस्त हैं और चीज़ें भी बहुत अच्छी लगी आपके पास, अगर किसी दोस्त ने शौक करना हो तो आपसे कैसे रब्ता हो सकता है? रब्ते के लिए मेरा मोबाइल नंबर भी है व्हाट्सएप पे, उस पर रब्ता कर सकते हैं, उसके अलावा मेरा बर्ड जवेरी के नाम से फेसबुक के पेज बना हुआ है उस पर भी आप भाई आके हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर मैं बताता हूँ वीडियो में आप लगा दीजिएगा 0333-300-833। अगर उर्दू में बात करें तो 0333-300-833। ये लेडी एमर्ड की मादियां हैं, ये सेकंड क्लच की हैं, इसके साथ बड़ा अर्ली का ब्रीड का मेल लगा के शो करने के लिए भाइयों के लिए 28,000 रुपया।
एक पेयर यंग बर्ड। ले जी माशाल्लाह, क्वांटिटी चेक करें और क्वालिटी चेक करें जी। ये बड़ी मादियाँ हैं जी, ये बड़ी ब्रीडर मादियाँ हैं जी। इसमें एक मादी हमारे पास, मेरे ख्याल में ये पूरा सीजन हो गया कोई मादी अंडे दे रही है, पता नहीं चल रहा। लेकिन वैसे तो उसका सीजन खत्म हो गया, लेकिन अंडे लगातार दे रही है। और लेकिन यह कि ये रेड गोल्डन की बड़ी मादियाँ हैं, इसमें एक फीमेल है लेडी की या दो फीमेल होंगी वो इसमें ऐड हुई है, बाकी सारी रेड गोल्डन की मादियाँ ये वो बड़े मेल जो आपने देखे हैं वीडियो में उन्हीं की मादियाँ हैं। किसी ये पेयर बना के दे रहे हैं। सही, अगर किसी ने अकेली मादी लेनी हो जी, अकेली मादियाँ वैसे तो बहुत कम होती है क्योंकि मेल ज्यादा आते हैं, लेकिन अगर कोई शो करेगा तो उसको मिल जाएगी। सही जी विकास भाई, यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है? यहाँ पे सनग्रोन लगा हुआ है, ये यहाँ पे ब्रीडर पेयर है, ठीक है, ये बच्चों के लिए जी, बड़े सनग्रोन के पेयर है सारे, और इसका बड़ा पेयर 1 लाख रुपए का, वैसे नॉन ब्रीडर पेयर 80 से 85 हज़ार का। शेब भाई ये है स्विनो फेजेंट के यंग बर्ड अर्ली ब्रीड, ये कि भाई शो करना चाहे तो 50,000 का पर जोड़ा। ये एक नार एक मादी चलता है, इसमें सेट नहीं चलता, कुछ लोग सेट लगाते हैं वो नहीं चलता, ये सब जोड़ में चलता है। नहीं फ्रेंड माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत बर्ड है शेब भाई, ये रेड गोल्डन के बड़े अर्ली सीजन वाले पट्टे हैं जी, अर्ली क्लच के, और इनकी मादियाँ आगे दिखाते हैं आपको। ये बड़े एज कितनी कितनी होनी है इनकी? ये इनकी एज है जी 6 से 6.5 महीने, कुछ 7 महीने, कुछ 6 महीने, इस तरह की। ये पर पीस किस तरह मिल जाएगा? ये अगर तो खाली कोई भाई मेल लेगा तो बड़े मुनासिब रेट पे भाई को मिल जाएंगे, ये पर मेल आपको मिलेगा जी कोई 6,500 रुपये का। माशाल्लाह विकास भाई, बहुत जबरदस्त साइज के अंदर है जी, इसके बारे में बताइए, ब्रीडर पेयर है जी आपको? माशाल्लाह जंबो साइज चकोर है जी, ये मस्किटी का बड़ा ब्रीडर पेयर 65,000 शो के लिए। सही है, ये ब्रीड कर रहा है, अवेलेबल है जी। अच्छा ये पेयर ब्रीड कर रहा है आपके पास जी? ये अभी यंग बर्ड है, फर्स्ट टाइम ब्रीड के लिए रेडी हुआ है, पिछले साल का बहुत अच्छा माशाल्लाह पेयर है। माशाल्लाह जी, आप क्वालिटी चेक करें जी, वीवीआईपी की है जी। विकास भाई ये किसके पट्टे हैं? ये जी पट्टे नहीं है, ये बड़ी फीमेल है लेडी एमर्ट प्रेजेंट की है, और इसमें 2-3 पट्टे हैं, बाकी सारी बड़ी मादियां हैं। ठीक है, ये वही रेड सॉरी आपको जो बड़े मेल दिखाए ना, रेड गोल्डन के हो गए, लेडी के हो गए, उन्हीं की मादियां हैं, लेकिन ये सारी लेडी एमर्ट की मादियां हैं। दोस्तों को शौक हो जाएगा इसका जी, ये जोड़े बना के देंगे, इसमें सिंगल मादी तो मिल जाएगी, 1-2 मादियां हैं एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, लेकिन जोड़े बना के दे रहे हैं वैसे। ये शेप भाई अल्बाइनो चकोर है, बहुत खूबसूरत, इसको अमेरिकन अल्बाइनो चकोर बोलते हैं, म्यूटेशन है, रेड आइज होता है, और धारी वाला चकोर इसको गोल्डन धारी वाला चकोर भी बोलते हैं सफ़ेद में। ये कोई भाई शो करना चाहे तो 50,000 का बड़ा ब्रीडर पेयर है, फर्स्ट टाइम ब्रीड के लिए रेडी है। अच्छा ये रेडी है, लेकिन कुछ ब्रीडर पेयर हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये रेडी टू ब्रीड पेयर है, कुछ इस साल के कुछ पिछले साल के। ये माशाल्लाह निकोबार पिजन है जी, अंडमान निकोबार पिजन भी इसको बोलते हैं, और ये कोई भाई शो करना चाहे जी, बड़ा ब्रीडर पेयर विद डीएनए पेपर के साथ मिलेगा आपको 2,20,000 रुपये का, मार्केट रेट का अगर आप देख लें तो वो तकरीबन 2.5 के करीब चल रहा है। ये मस्किती चकोर का एक सिंगल मेल है जी, बहुत अच्छे साइज में, बहुत अच्छे कल काट में, कंफर्म ब्रीडर मेल है ये, कोई भाई शो करना चाहे तो उसके लिए 25,000। अच्छा माशाल्लाह विकास भाई, ये बहुत स्मॉल साइज के अंदर है, इन डक्स का क्या नाम है? ये मेंड्राइन डक है, इसमें म्यूटेशन के साथ एक कॉमन मेंड्राइन डक का पेयर है, उसके साथ उसी में म्यूटेशन है जिसको हम कैमल कलर बोल रहे हैं जी। जी ये बेसिकली है ब्लॉन्ड डक। सही है, इसी कॉमन मेंड्राइन के अंदर से म्यूटेशन निकलती है, बहुत खूबसूरत बर्ड है, अभी यंग बर्ड है, ये तैयार हो रहे हैं, कलर पूरे कर रहे हैं। सही है, इनके 6 महीने से 7 महीने, और ये 6-7 महीने में जवान होकर ब्रीड भी रेडी हो। अच्छा ये साइज बढ़ाएंगे कि इतना ही रहेगा? सही, इसका यही साइज रहता है। सही है, तो ये भी 200 को मिल जाएंगे जी? ये भी इसका तकरीबन पेयर है 55,000 शोक हो जाएगा दोस्त। ये शेब भाई मादियाँ हैं वही जो आपने बड़े इसमें अर्ली वाले पट्टे देखे हैं उन्हीं की मादियाँ, फर्स्ट टाइम ब्रीड के लिए रेडी हैं, और अर्ली ब्रीड की मादियाँ माशाल्लाह रेड गोल्डन की, पट्टे भी आप देख लें जो पहले आपने देखे हैं उन्हीं के साथ ये पेयर बना के दे रहे हैं, और ये पेयर आप अगर कोई भाई शो करना चाहे तो 14,500 से लेके 12,500 तक, यानी कि इसमें एज के हिसाब से। ये शोब भाई मस्किती चकोर के पट्टे हैं जी माशाल्लाह, जो आपने पहले देखे हैं, बहुत खूबसूरत बर्ड है, ये उसी पेयर के बच्चे हैं जी जी, एज इनकी तकरीबन है कोई 5, 5.5-6 महीने, और ये इंशाल्लाह सीज़न में ब्रीड भी करवाएंगे, अर्ली ब्रीड वाले पट्टे हैं माशाल्लाह, तो ये कोई भाई शो करना चाहे तो ये 40,000 का जोड़ा। अच्छा माशाल्लाह विकास भाई, आपके सारे बर्ड देखे हैं दोस्तों ने, और आपने चीज़ें भी बताई कि कौन कौन सा शौक हो जाएगा, कितने में शौक हो जाएगा दोस्तों को। यहाँ पे बस दोस्तों को ये बता दें एक बार ही, आपने अपना नंबर दोबारा रिपीट करना है, सेकंड नंबर पे आपने बताना है कि कार्गो किस किस जगह पे हो जाएगा? कार्गो ऑल ओवर पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, और चाहे सिंध का कोई इलाका है, पंजाब का है, KP के, बलोचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से हमारी कार्गो जा रही है,
कार्गो भेजने का हमारा तरीकाकार ये होता है, हम प्लास्टिक के जो फूड क्रेट्स होते हैं उनमें डालते हैं ताकि एयरवे जो है वो बर्ड डिस्टर्ब ना हो उसमें, और फिर जो बसेज होती है पैसेंजर बसें वहाँ पर सीट बुक करवा के बर्ड भिजवाते हैं और गाड़ी का नंबर ड्राइवर का नंबर कस्टमर को जो दोस्त यार होते हैं उनको दे देते हैं जो आगे लेना। आपकी लोकेशन किधर की है? मेरी लोकेशन है टेक्सला सिटी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद। ठीक है, मोबाइल नंबर बता दें 0333-00833। नहीं सर, अपने दोस्त को, अपने भाई को और काफ़ी को जाते हैं। फीमा नीला, अल्लाह हाफिज़।